डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में संयोजकता का उतना ही महत्व है जितना कि मैथ में मल्टीप्लिकेशन टेबल का है। अर्थात मैथ में गुणा का जो महत्व है वही केमिस्ट्री में संयोजकता का है। मैथ में अगर आप मल्टीप्लिकेशन टेबल जानते हैं तो आप गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट सब निकाल लेंगे। उसी तरह से अगर आप संयोजकता या बैलेंसी के बारे में जानते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री समझना बहुत आसान होगा। कोई भी फार्मूला आप बिना रटे समझ सकते हैं। संयोजकता एक यूनिट है हाइड्रोजन परमाणु की, तो इसलिए संयोजकता की डिफिनीशन लिखते हैं कि किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। या हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या जो किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है संयोजकता कहलाती है। तो हाइड्रोजन इसकी सबसे छोटी यूनिट है। हाइड्रोजन से ही हर चीज़ की बैलेंसी करी जाती है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका सब कुछ एक होता है। परमाणु भार एक, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर एक, प्रोटॉन एक, इलेक्ट्रॉन एक, बस जो एक नहीं होता है वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या जीरो होती है। न्यूट्रॉन की संख्या जीरो होती है और बैलेंसी भी हाइड्रोजन की एक होती है। अब जैसे H2O कोई तत्व है, H2O, इसमें हाइड्रोजन की बैलेंसी H2O का मतलब है H2O1। तो H2 की बैलेंसी O के बाद आती है और O की बैलेंसी H के बाद जाती है। तो इस तरह से बैलेंसी का बड़ा रोल है किसी भी फार्मूला में। जैसे आप लिख रहे हैं सोडियम क्लोराइड का सूत्र आपको लिखना है, सोडियम की बैलेंसी एक और क्लोरीन की बैलेंसी एक। Na की 1 लिख लीजिए, Cl की 1 लिख लीजिए, क्रॉस कर दीजिए, तो Na1Cl1 लिखा नहीं जाता तो NaCl हो जाएगी। इसी तरह से Na2CO3, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम में कार्बोनेट की बैलेंसी 2 है, सोडियम बैलेंसी 1 है, वो लिखी नहीं गई है, इसलिए Na2CO3 हो गया।